الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا लेकिन हमको यह नहीं पता
कि माल कहां से आ रहा है और कहां से जा रहा है। हम कमाते हैं वो, लेकिन बरकत नहीं है, बरकत निकल जाती है। ये क्यों निकल जाती है? इसलिए कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने परिपक्व माल छोड़ी उनके घर से बरकत निकल जाती है। जो शख्स पांच वक्त की नमाज छोड़ता है, जो शख्स पांच वक्त की नमाज छोड़ता है, उसको पांच इनामात के महरूम कर दिया जाता है। पहला क्या है? पहली कौन सी नमाज? बोलो भाई। अरे बोलोगे? पहली है फजर की नमाज। और जिसने फजर की नमाज छोड़ दी, जिसने फजर की नमाज छोड़ दी, मालूम क्या है? उसके चेहरे पे नूर हटा दिया है। हम नूर के पीछे कितना पड़े हुए हैं? कहीं क्रीम ला रहे, कहीं वाजमीन ला रहे, कहीं पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नमाज के अंदर अल्लाह ने खुद बता दिया कि जितने मेरी नमाज पढ़ी वजह की उसके चेहरे पर गौर पता कर। और आज हमारा हाल क्या है? फल की नमाज छोड़ गए और फिर कह रहे चेहरा कितना खा। मेरे मुकर्रम भाई दोस्तों, इस वजह से हम सबको फल की नमाज पढ़ने की तौफीक दी। और दूसरी नमाज कौन सी? दूसरी नमाज है जोहर। कौन सी? जोहर की नमाज। जिसने जोहर की नमाज छोड़ दी, उसकी रोजी में बरकत खत्म कर दिया। आज हम रोजी के पीछे भाग, माल के पीछे भाग रहे, माल आ जाए, माल आ जाए, और माल आता है फिर चला जाता है। ये क्यों? इसलिए कि हम जोहर की नमाज छोड़ देते हैं, इस वजह से बरकत खत्म कर दी। इसलिए हम सबको चाहिए कि जोहर की नमाज पढ़ने की तौफीक दें। और तीसरी नमाज है असर। जिसने असर की नमाज छोड़ दी, उसके बदन पे ताकत खत्म कर दी जाती है। ताकत के पीछे कितना हो रहा? कोई जिम करने जा रहा है, कोई कसरत कर रहा है, कोई दवाइयां खा रहा है, लेकिन ये नहीं पता। क्या नहीं पता? ये नहीं पता कि असर की नमाज पढ़ने पर ताकत पैदा होती है। पहले के सहाबा करा रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमाइन के अंदर कितनी ताकत थी, वो हर वक्त नमाज में मशगूल रहते थे। अगर फराइज पे मशगूल फारिग हो गए तो उसके बाद नफ्ल वगैरह पढ़ लेते थे। तहज्जुद का इहतमाम, इशराक का इहतमाम, बाकी और नमाजें हैं जो जिसका इहतमाम करता था वो कामयाब हो जाता है। अल्लाह तआला जो अल्लाह तआला की नमाज है एक अजर, वो जो नमाज पढ़ेगा उसके बदन में ताकत अल्लाह तआला पैदा करता है, और जितने छोड़ के खत्म कर देगा। और चौथी है नमाज मगरिब की। कौन सी नमाज है? मगरिब की नमाज। ये मगरिब की नमाज क्या है? जिसने मगरिब की नमाज छोड़ दी ना, तो उसकी औलाद जो पैदा होती है वो उसके कोई काम नहीं आती। आज परेशान हाल है, मेरा बेटा बेकार हो गया, मेरा बेटा बर्बाद हो गया, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि हमने वक्त मगरिब की नमाज छोड़ दी, जिनकी दुनिया पर आज हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता। ये नहीं, तो जितने मगरिब की नमाज छोड़ दी, जितने मगरिब की नमाज छोड़ दी, उनकी औलाद कभी काम नहीं आ गया। और चौथी इशा की नमाज, वाह वाह वाह, इशा की नमाज क्या है? इशा की नमाज, जितने इशा की नमाज नहीं पढ़ी,
जितने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी उसकी नींद से राहत खत्म कर दिया। मेरे मौलवी साहब नींद नहीं आ रही, कोई ताबीज बना दो, पानी पढ़ दो, कोई टेंशन लिया हुआ है उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, लेकिन ईशा की नमाज ना पढ़ने की दुनिया की अपनी नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। ईशा की जब नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी नींद से राहत खत्म कर दी जाती है। इस वजह से ये पांच नमाजें जिस चीज के पीछे हम सब भाग रहे हैं वो सारी नमाजों के अंदर मिलने वाली है। इस वजह से हम सबको ईमान पर करना है, पंच वक्त नमाज का इस्तेमाल भी करेंगे इंशाअल्लाह। اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔